The Daily Show with Muneer Memon. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। प्रोग्राम की इब्तिदा में तस्करा करेंगे जो आज इस्लामाबाद में एक नाखुशगवार वाक्या पेश आया। एक खुदकश हमले के नतीजे में इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान को अमन अमान को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उसमें पुलिस अहलकार शहीद भी हुए, जख्मी भी। और यकीन तौर पर ये जो आज तस्वीर देखने में आई, ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए खुशगवार तस्वीर हो ही नहीं सकती। बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान ने उस अमन को कायम किया जो कि कुछ अरसा ज़रूर रहा, एक रिलीफ का समा देखने में आया, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान से पुक्स रखते हैं वो अनासर अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान में एक बार फिर से जो सियासी अदम इस्तेकाम के बाइस जो एक इंतशारी के इंतशार की कैफियत है उसका फायदा उठाया जा रहा है, और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में पाकिस्तान का जो अमन अमान है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है। आज प्रोग्राम में इसी आवाज़ का तस्करा करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तजयाकार जनाब मीर साहब। इनसे जरा जाने की कोशिश करेंगे कि जो अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ी और जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये आखिर पाकिस्तान को कहां तक ले जाएगा और ये कहीं रुकने का नाम भी लेगा या नहीं? मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाज़रीन को मेरे तरफ से सलाम पहुंचे मेहमान साहब। वालेकुम सलाम। मीर साहब जरा ये बताएं, हमने देखा कि बड़ी मेहनत के बाद आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से, हम बलूचिस्तान की बात भी करें, बड़ी मेहनत के बाद हमने कुछ एक वक्त गुजारा जिसमें अमन अमान सही मानों में देखने में आया, वो दहशतगर्दी के वाकयात, बम धमाके, शायद कुछ हद तक उस पर काबू पाया गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है और एक सियासी इंतशार है उसके नतीजे में तमाम तर जो कुवतें हैं उनकी जो तवज्जो है वो इस तरफ मरकूज हो गई है। जो अमन अमान के मामलात थे इस वक्त उसको पसे पर्दा कर दिया गया, और अब हमने देखा कि पहले पेशावर में दहशतगर्दी के वाकयात और अब ये आपके दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा इस्लामाबाद तक आ चुके हैं, अब ये क्या मामलात हो रहे हैं सर? जी गुजारिश ये है कि आपने सही वजह फरमाया कि काफी हद तक नहीं, मतलब 98% जो है मुल्क में इस्तेकाम आ चुका था, हालात ठीक हो गए थे, रवादारी थी, लेकिन बड़े कहते हैं जब भाई घर में आपस में लड़ेंगे फिर हम साए तो जरूर आपके घर में घुसेंगे ना जी, फिर आपके घर की बेपर्दगी भी होगी, हालात भी खराब होंगे, कोई आपकी हिमायत करेगा, कोई शैतानत करेगा, तो इससे हालात बिगड़ेंगे ना। बिल्कुल, हमारे मुल्क में आपस में सियासतदान अपनी बका और अपने जिद और अना के लिए या अपने सियासी मुफादात के लिए इन सब ने मुल्क को दाव पे लगाया, यही वजूहत है जो आज हमारा मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार मतलब दोबारा हो गया है और अमन अमान के उसमें जो है ना खलल पड़ रहा है। आज भी देखिए हमारे पुलिस के जवान अगर ना रोकते, बिल्कुल, शहादत पेश नहीं करते तो आगे पता नहीं क्या सानिया पेश आ सकता था, और यही इन्हीं वाकियात की वजह से और ज्यादा दुश्मन ममालिक हमारे मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर। लेकिन मीर साहब अगर मैं बात करूं, ये जो सूरत हाल है वो एकदम नहीं बिगड़ी, हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से कोशिशें की जा रही थी, हम मीडिया पे भी इसके हवाले से आवाज उठा रहे थे। अगर हम बलूचिस्तान की सूरत हाल की बात करें, हम कराची की बात करें, हम स्वात की बात करें, केपीके की ओवरऑल सूरत हाल की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहे हैं, मुराद सईद साहब ने भी ये काफी बार मीडिया पे आके ऑन रिकॉर्ड कहा कि वहां के अमन अमान की एक बड़ी कॉस्ट है, उसको बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया और वो अब खतरे पे आ चुका है, लेकिन इकदाम शायद उस तरह से नहीं लिए गए और आज हम देख रहे हैं कि उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ये दहशतगर्दी अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। और यहाँ पे जब इस्लामाबाद में कोई इस तरह का कोई काम होता है तो दुनिया को पता है कि ये इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत तेजी से पिक करता है और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की जाती है, उस सॉफ्ट इमेज को भी एक बड़ा धचका पहुंचता है। अब क्या लगता है कि पाकिस्तान के मौजूदा जो हुक्मरान है, जो सियासी अशराफिया है, अब इस तरफ ध्यान देने के किसी मूड में नजर आती है आपको? देखो अशराफियों का काम तो अमन अमान को ठीक करना नहीं होता, ये तो अदारों का काम होता है ना जी, ये पुलिस का काम है, एफसी का काम है, अफवाज पाकिस्तान का काम है, बड़े दहशतगर्दी को फौज वो काउंटर करती है, एफसी करते हैं, छोटे को शहरों में पुलिस वाले करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे मुल्क का ये हाल है कि हम दारुल खिलाफे में बैठे हैं बलूचिस्तान के जी, एक बंदा एक टैक्सी की डिक्की में जो है आ जाता है अफगानिस्तान बॉर्डर से, तीसरे दिन शहर में रेडी लगा के खड़ा होता है, ना उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, कौन है, आपकी पहचान क्या है, आप क्या कर रहे हो जी, कोई नहीं पूछता है, शार है ना पुरसान है, बस हम लोग सब अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं और जी रहे हैं।
हम लोग तो अल्लाह नहीं करे ऐसे हालात और ज्यादा खराब हो गए, सबसे ज्यादा उन शहरों को ज्यादा तकलीफ होगी या मसाइल से दो चार होंगे जो बॉर्डर के करीब है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वहाँ तालिबान आए हैं उसमें अफगानिस्तान में जी, तो जो दूसरे तो पकी थे दूसरे थे वो उन्होंने सबने पाकिस्तान का रुख कर लिया है। सही। अभी वो कौन है, कहाँ गए, किस शहर में है, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो फिर अदारों को पता होगा ना, आवाम को नहीं पता। लेकिन जब तक अदारे सीरियस नहीं होंगे, नोटिस नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, अपने मुल्क के लोगों को तहफ़ नहीं देंगे, तब तक अगर इसी तरह मदर पिदर लोग आजाद रहे फिर ये वाकियात होते रहेंगे, इनको कोई नहीं सकेगा। लेकिन मीर साहब मुझे ये बताएं कि अब ये एक तो दहशत गर्दी का मामला और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर काबू पाया जाएगा और जो इसके सरगना है उनके हवाले से भी एक मजबूत और मुस्तहकम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जरा मैं सियासत के मैदान पर चलूं, हम देख रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान किया, उस ऐलान को पहले शायद हुकूमत ने संजीदा ना लिया, शायद हुकूमत ने इसको उसी तर्ज पे लिया कि शायद ये एक सियासी चाल है। लेकिन इसके बाद तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को आज असेंबली तहलील करनी थी, उससे पहले रात गए इतनी लेट में, रात को तकरीबन 12:30 के वक्त पे गवर्नर साहब एक नोटिफिकेशन जारी करवा देते हैं और वजीर आला पंजाब को डीसीट कर दिया जाता है। इस बात इस तमाम तो सूरत हाल का हम देख रहे हैं, पंजाब जैसा सूबे में एक इंतशार है और वहां पे इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। आज अभी इस वक्त भी पंजाब असेंबली का जो इजलास जारी है उसमें किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, किस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, मामला आला अदलिया में जा चुका है। सर ये किस तरह हमारी सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है? मैंने कहा ना कि सब अपने अपने मुफादात के तहत अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। एक वकील आता है या एक सियासतदान आता है, वो आईन की एक तरह से तशरी करता है, फिर दूसरे फेवर वाला आता है वो दूसरे तरह से फेवर करता है। अभी तो चलो अदालत में चला गया, अदालत ही इसकी सही तशरी कर सकती है कि कौन सही कौन गलत। लेकिन मैं जहां तक हम सियासी तालिब इल्म के हैसियत से ये कहता हूँ, जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। गवर्नर साहब भी गलत कर रहे हैं और वो हमारे जो स्पीकर पंजाब असेंबली है वो भी एक टांग पे पिछले 3 महीने से खड़े हैं। मैं अदालत इसको असेंबली को चलाता रहूंगा और यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा ताकि कोई भी अदम इत्माद ना हो या कोई ऐसा एक्शन हमारे खिलाफ नहीं हो। जी ये तो लेकिन इसका हल क्या है मीर साहब, कोई हल तो निकलना चाहिए ना। अब इस बहरान का हम देख रहे थे कि ये शायद उसी तर्ज का बहरान है जो अप्रैल मई के महीने में हमने देखा था, एक सियासी और आईनी बहरान था। एक बार फिर से मुल्क में सियासी और आईनी बहरान और ऐसे माहौल में क्या हम इसको मजीद अफोर्ड कर सकते हैं या हमारे पास इतनी माशी कुव्वत मौजूद है कि हम इस तरह के एडवेंचर्स को बर्दाश्त करें? सर आपका तवाई कोरोना शुरू हो, तवानाई कोरोना शुरू हो गया। गैस आपके मुल्क में जो है ना आप प्रोवाइड नहीं कर सकते आवाम को, आप बिजली नहीं खरीद सकते, बिजली के लिए तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, आप खुर्दनी तेल के जो है ना कंटेनर वहाँ पे सी पे खड़े हैं लेकिन आपको एलसी खोलने की इजाजत नहीं है। आपके जो है ना दालें, आपके मुर्गी का सारा जो सामान है, खुराक है, वो एयरपोर्ट पे इस सी पोर्ट पे पड़ा हुआ है, आप उनको इजाजत नहीं दे रहे इसी इस वजह से कि आपके पास डॉलर नहीं है। सही। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे आप आवाम को कैसे सहूलियत करेंगे? लेकिन मीर साहब आप ये बात जानते हैं, हम ये बात समझ रहे हैं, आवाम भी ये सारी सूरत हाल से आ गया है। अगर मुल्क इतने ही बड़े बहरान का शिकार है और हम देख रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा बहरान हमारे सर पे है, इस तमाम तर सूरत हाल में अगर मैं इस वक्त तमाम तर सियासी कोतों की बात करूं, सर शायद ऐसा महसूस होता है कि उन्हें इस तमाम तर सूरत हाल से कोई फिक्र ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि अगर इक्तदार बचता है उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो वो चुकाने के लिए तैयार है। सर मैंने आपसे कहा ना, काश हमारे सियासतदान इसी तरह सोचते जैसे काम शहरी सोचता है, आप सोच रहे हैं, मीडिया वाले सोच रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान, आप देखिए हमारे से बाद में जो है ना आजाद होने वाले ममालिक काश दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है लेकिन हम तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है। उसकी वजह यही है कि हम सिर्फ उधार के पैसे लेकर खुश होते हैं और ढोल बजाते हैं पैसे आ गए, हमने खुद कुछ नहीं करना है, हमने खुद तरक्की नहीं करनी है,
आप नया जो सर्वे है आप देखिए, कहते हैं हमारे मुल्क में इतना ऑयल एंड गैस है, इतना पेट्रोल है कि ये गुज़श्ता 300 गुजारने वाले 300 साल के लिए काफी है, लेकिन इसके लिए मुखलसियत चाहिए, इसके लिए जो है ना किरदार चाहिए, इसके लिए यकजहती चाहिए, तमाम को एक पेज पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जिद और अना सब एक दूसरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं अबू हुसैन के साथ नहीं बैठूंगा, अगर आप उस टाइम नहीं बैठे तो आज अबू हुसैन आपके साथ क्यों बैठे, ठीक है ना जी। लेकिन इस तमाम सूरतहाल का नतीजा क्या निकलता है नजर आ रहा है, सब जरा मुझे ये तो समझा दें। पंजाब असेंबली तोड़ने के लिए आप तैयार हो, आप अगर वाकई इतने बहादुर हो पहले आप खैबर पश्तूनख्वा असेंबली तोड़ो और लोगों को बताओ देखो यहाँ पे मेरा दो तिहाई अक्सरियत है, मैंने तोड़ दिया, अभी मैं पंजाब के लिए कोशिश करूंगा। सही बात है, लेकिन मीर साहब मुझे जरा इसका नतीजा बता दें, क्योंकि आप की एक बड़ी गहरी नजर है सियासत के ऊपर। मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त मामला चल रहा है पंजाब के हवाले से, आपको लग रहा है कि ये जो गवर्नर पंजाब का जो इख्तियार इस्तेमाल उन्होंने किया वो कायम रहेगा या अदालतों में इसको चैलेंज जो इस अंदाज से करा जा चुका है फैसला परवेज इलाही साहब के हक में आएगा? सर जहां तक आईनी माहिरीन से मैंने सुना है वो तो कहते हैं कि गवर्नर का जो लेटर है ये गैर आईनी है, बाकी वो ज्यादा समझते हैं। और अगर ये गैर आईनी है, अगर मैं इस मफरूजे के ऊपर बात कर लूं तो इस अमल की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि क्या ये हुकूमत मजीद वक्त लेना चाहती है कि पंजाब असेंबलियां तहलील करने में जितनी मुद्दत गुजारी जा सके वो बेहतर है? जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा जो हालात है सियासी हालात है, हो सकता है वफाकी हुकूमत या उसके अलायंस ये सोचते हैं कि हमें 5-6 महीने और काम के लिए मिले ताकि हम आवाम को थोड़ा रिलैक्स दें और हमारी पोजीशन अच्छी हो जाए। ये जो महंगाई हुई है, वर्ल्ड बैंक ने जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया है या जो उसकी शरायत है, ये तो किसी सियासी पार्टी को फेवर नहीं करता। लेकिन मुझे मीर साहब ये समझ नहीं आई कि ये पाकिस्तान में इतने बड़े और इतने अहम फैसले रात की तारीखे में क्यों किए जाते हैं कि 12 बजे के बाद ही इस तरह के मामला होते नजर आते हैं। गवर्नर साहब ने शायद अगर इस तरह का नोटिफिकेशन देना था तो दिन के वक्त दे दिया जाता, और आप भी बेहतर समझते हैं कि जो हुकूमती मशीनरी होती है वो कितनी एफिशिएंट है काम में, अगर वो रात के 12 बजे काम कर रही है तो फिर तो कोई खास वजह जरूर रही होगी। जनाब आजकल रात के 12 बजे के बाद पाकिस्तान में एक फैशन हो गया, हर काम रात को 12 बजे के बाद होता है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार रात को 12 बजे के बिल्कुल सही कह रहा बहुत से हालात चेंज हुए, तो आप समझे उसी का तसलसल है। और मैं अगर आखिरी सवाल ये पूछना चाहूं कि आपको लगता है कि पंजाब असेंबलियां टूटना तय है और आने वाले दिनों में चंद हफ्तों या महीनों के अंदर पंजाब असेंबली तहलील होती हुई दिखाई दे रही है आपको? अगर अदालत ने तशरीह कर दी कि गवर्नर का जो लेटर है ये गलत है, आईन के खिलाफ है, तो हो सकता है 2-3 दिन में जो है असेंबलियां टूट जाए। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मीर असलम साहब, सीनियर साहब की तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे कि यकीन तौर पर बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बहुत तेजी से बिगड़ी, और ये बात का तस्करा हम आज नहीं कर रहे, हमने कई बार गाहे बगाए अपने प्रोग्राम में कहा और कभी लगी लिपटी में कहा, कभी बरमला कहा, और ये बात जो पाकिस्तान की मफाद की बात है वो हमने कभी भी कहने से चूक नहीं खाई। लेकिन ये जो मसला है कि पाकिस्तान में एक सियासी इंतशार है, एक अदम इस्तेकाम है, माशी बहरान है, और उसमें अगर इस चीज़ को जोड़ लिया जाए कि पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी की लहर भी फिर सर उठा रही है, तो ये बात पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए किसी भी तौर पे कोई अच्छी खबर नहीं है, और इस पर एक बड़ा फैसला करना होगा, एक नेशनल प्लान की जरूरत होगी, एक ऐसे अमल की जरूरत है जिसमें तमाम तर स्टेक होल्डर्स, तमाम तर इदारे अपनी गलतियों को पहले तस्लीम करें और फिर वहां से आगे बढ़ने का एक अजम जाहिर किया जाए, और जहां पे जो गलती है, जो कोताही है, जिससे हुई है उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना यकीन तौर पे जरूरी होगा, वरना ये रिवायत जन्म ले लेगी कि आप गलती करें और फिर आप बंद कमरों में किसी के पैर पकड़ लें और फिर सवाल उठते हैं कि वो कौन था, और मैं भी ये सवाल करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर कौन एक शख्स है। वो कहते हैं ना कि एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया, तो वो कौन एक शख्स था जिसने पाकिस्तान के इस मुस्तकबिल का फैसला इस स्याही से लिखा, और आज का जो खमियाजा है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, वो कौन था या वो कौन है? उम्मीद करते हैं आवाम का फैसला जरूर करेगी, उम्मीद करते हैं आप भी करने में कामयाब हो जाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इस बात को जानने की कि आखिर वो कौन है, कौन सी कुवतें हैं, कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम चाहती हैं, वो कौन लोग हैं जिसमें जो सूट करता है जिनको कि पाकिस्तान में इस तरह का इंतशार रहे, खलफिशार रहे, एक कदम इस्तेकाम रहे और सियासी ऐवानों की बात करें तो वहाँ भी एक हलचल मची रहे। साथ में ये भी एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तमाम तर अहदेदार हैं, तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम तर जो जिम्मेदारान हैं जिनके हवाले से उम्मीद की जाती है कि वो पाकिस्तान का दिफा भी करेंगे, पाकिस्तान की बका की हिफाजत भी करेंगे और मामलात को भी देखेंगे जो आवाम के हक में मुस्बत होंगे, लेकिन आज ये तमाम तर सूरतेहाल उस तर्ज पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पहले दहशतगर्दी का बढ़ना, सियासी अदम इस्तेकाम का साथ साथ चलना और माशी सूरतेहाल का बदहाली की तरफ बढ़ते हुए जाना, ये एक बड़ा सवाल है कि ये फेलियर आखिर हुआ कहां से। अगर गुज़श्ता साल की बात करें तो गुज़श्ता साल भी इस तरह के मामला देखने में आए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ये जाहिर थी कि जो प्रोसेस है वो अगर कंटिन्यू रहता तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती थी, लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू ना हुआ, एक चेंज आया, उस चेंज के नतीजे में फिर ये उम्मीद आई कि चलो अब एक तब्दीली है, ये तब्दीली आवाम के लिए बेहतर और सूदमंद साबित होगी। तो पंजाब असेंबली और जो आज अमन अमान की जो सूरत हाल में एक बिगाड़ पैदा हुआ, सवाल से हमें गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करें जनाब काजी समी साहब, सीनियर साहब भी तजिया कर रहे हैं, इनसे जरा जानने की कोशिश करें कि जो अमन अमान की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हुआ और आज हम देख रहे हैं कि एक सियासी इंतशार अपने उरूज पर नजर आता है, आखिर सबका जिम्मेदार कौन है और ये जो सूरत हाल है क्या ये थमती हुई नजर भी आ रही है कि नहीं। कसब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कसब, सबसे पहले तो आज सुबह आप ही के शहर में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, हम भरपूर अल्फाज में उसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन मैं आप बेहतर तौर पर समझते हैं कि जो दहशतगर्दी हमने बड़े अरसे से उस पर मेहनत की, बड़ी कुर्बानियों के बाद उसके ऊपर काबू पाया, एक बार फिर से वो दहशतगर्दी जन्म ले रही है, सर उठा रही है, सर क्या कोई इकदाम होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि वजीर दाखला के बयानात को सुनूं तो शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में दहशतगर्दी तो है नहीं, सिर्फ सियासत के मैदानों में जो हो रहा है वही हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया है। जहां तक दहशतगर्दी का वाकया है उसमें जो है आप देख रहे हैं कि इससे पहले बनू में जो सीटीडी पर हमला हुआ आपने देखा और फिर उसका जिस तरह मंतकी अंजाम हुआ, ऑपरेशन करके उसको जो है वो यरगमाल लोगों को जो है वो छुड़वाया गया और सीटीडी का जो कब्जा था वो भी खत्म करवाया गया। अब उसके दूसरे तीसरे दिन ही ये वाकया जो आज इस्लामाबाद में हुआ, I-10 में, सेक्टर I-10 में, तो आपने देखा तो सियासी इंतशार जहाँ जिस रियासत में होता है उस तरह वहां पर फिर इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, फिर दहशतगर्दों को या अस्करत पसंदों को जो है अपने मजमूम मकासद जो है हासिल करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो हुकूमत है या अपोजिशन है या सियासी जमातें हैं वो सारा मामला जो है वो सियासी जोड़ तोड़ पर चल रहा है। तो अब सियासी जोड़ तोड़ जहाँ हो, रियासत इंतशार हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो, मुआशत की हालत बिगड़ी हुई हो, तो ऐसी सूरत में यही होता है कि इसी तरह के फिर जो है दहशतगर्दी के वाकया। लेकिन काजी साहब माजरत कता कलामी की, ये बात आप और मैं हम तो देख ही रहे हैं और हम आप काफी अरसे से इस बारे में आवाज भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़े प्लान तरीके से उस सूरत हाल की तरफ फिर से धकेला जा रहा है जो 2013 से पहले हुआ करती थी, दहशतगर्दी, बम धमाके, इंतशार, लूटमार और कोई महफूज अपने आप को महफूज नहीं करता, महसूस करता था। क्या ये जो सब देखा जा रहा है इसके ऊपर कोई काम होता हुआ नजर आया गुज़रा एक साल में? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब सियासी इंतशार ना देखने में आया हो। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, अब इसको मामला को 1979 से लेकर जाना होगा जब जनरल जियाउल्लाह के दौर में रशिया के खिलाफ जो अफगान वार हुई, अफगान वार रशिया हुई उसमें हम कूदे, फिर 2001 में जो है मुशर्रफ दौर में हम जो है अफगान वार में जो अमरीका की सो कॉल्ड नाम लिहाज दहशतगर्दी की जंग थी उसमें हम कूदे, उसका हिस्सा बने। तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं रहा है, पाकिस्तान आज भी हालत जंग में है और ये हालत जंग में मुसलसल है, हम लोग तवातुर के साथ हैं, बीच दरमियान में वक्फा जरूर आया लेकिन इस दौरान भी हमने ऑपरेशन अजब किया, रद्दुल फसाद किया और इससे पहले भी हमने ऑपरेशन किए और इसके बाद भी छोटे मोटे ऑपरेशन करते रहे, लेकिन जहां तक नेशनल एक्शन प्लान का ताल्लुक है, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद के हवाले से जरूर हमसे कुछ ऐसी कोताही हुई है या कुछ कमी बेशी रह गई है, उस पर जो है उसको जायजा लेना चाहिए असरे नो, और उसके बाद जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है एक बार फिर जो है हमें जो है मुतारिक होना पड़ेगा और कौम को और अस्करी क्यादत को और सियासी क्यादत को और पूरी कौम को एक पेज पर आना हो। लेकिन काजी साहब आप तो इस्लामाबाद में मौजूद है, वेल कनेक्टेड है वहां पे लोगों से, कोई ऐसी खबर आपको समझ सुनने में आई कि अब हुकूमत इस बारे में कुछ संजीदा इकदाम ले रही है,
कोई कमेटी बुलाई गई हो, कोई इजलास बुलाया गया हो इस हवाले से कि ये बदमनी, ये दहशतगर्दी इस तरीके से कैसे सर उठा रही है एक बार फिर से? कोई इस तरह के कोई इतलात है इस्लामाबाद में? जी जी, वफाक में अब इस तरह की जा रहे और सर जोड़े हैं और सर जोड़कर बैठे भी है बनू वाके की बात तो खासतौर पर, और उससे पहले भी आपने ये देखा कि दिसंबर ही के महीने में ज्यादातर इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में आप देखते हैं कि 9 बरस से पीटीआई की हुकूमत है और सीटीडी डिपार्टमेंट भी जो है वो सूबाई हुकूमत का था, तो सूबाई हुकूमत तो जो है वो लगी हुई है अपना अपने पीटीआई चेयरमैन की हिदायत पर जो वो अमल जो फरमान जारी करते हैं उस पर इंप्लीमेंट करने में लग जाते हैं। तो इस वक्त आप ये कह सकते हैं चाहे वफाक हो या सूबाई सतह पर हो, सारी तर तमाम तर तवज्जा जो है हुकूमतों की या अहले सियासत या अपोजिशन की जो है वो तमाम तर सियासी सियासत पर तवज्जा है। इस हवाले से जो है वो तवज्जा जो है वो कम रही है। और फिर जिस तरह अभी गुज़श्ता कई अरसे से आपने देखा, गुज़श्ता 3 महीने 4 महीने से अप्रैल के बाद से जिस तरह रियासती इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, एक जानब रियासती इदारे हमारी पाक फौज जो है वो कुर्बानियां दे रही है, दूसरी तरफ उन पर जो है तनकीद के नश्तर भी जो है वो चबोए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में फिर इस तरह के मजमूम मकासद जो है वो दहशतगर्दों को पूरा मौका मिलता है। अब इसकी रोकथाम के लिए 2 ही चीजें हैं, जाहिर है हमारा जो है एक हमारा वो बॉर्डर है जो इंडिया के साथ लगता है, वो तो हमेशा आपको पता है कि जैसे वहां कशीदगी रहती है। अब ये हमारा जो ड्योरो लाइन वाला मामला है, अफगानिस्तान वाला मामला है, ये भी अब कशीदा है। तो ज्यादातर दहशतगर्दी जो है वो जाहिर है किसी भी तरफ से हो सकती है। सर ये ऐसा नहीं हो सकता कि शायद हमें पता हो और हम नजरअंदाज करते हैं? जाहिर है हमारी इंडिया के साथ भी दुश्मनी है, हमारी और बहुत से भी मामला आते हैं, हम अमेरिका के इत्यादि भी रहे हैं, जो अमेरिका के दुश्मन है वो भी हमारे दुश्मन हो सकते हैं। तो इस तरह की एक बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जो है अब आपको जो है तजिया करना पड़ेगा तमाम हालात और वाकयात का, तमाम अपने माजी का भी, अपने हाल का भी और मुस्तकबिल के हवाले से भी आपको इदराक करना होगा। तो खासा मैं ये अगर समझाऊं और गलत ना समझाऊं तो मुझे प्लीज रेक्टिफाई कीजिएगा कि इस वक्त जब सियासी इंतशार है, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो किसी और चीज की तवक्को करना मुश्किल है। और अगर सियासी अदम इस्तेकाम अगर काबू में आ जाता है तो फिर ये सारे जो मामलात हैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब जरा ये बताएं, जी जी, लेकिन ये बता दें कि जो सियासी इस्तेकाम है वो आखिर हासिल हुआ तो होगा कैसे? देखिए, सियासी इस्तेकाम का तो ये है कि अभी तमाम सियासी जमातों को इस बात पर मुत्तफिक होना पड़ेगा कि जी हमें सियासी इस्तेकाम को अपनी सियासी लड़ाइयों को जो आम इंतखाबात आने वाले इंतखाबात हैं उस वक्त तक जो है हम जो है उसको खत्म करें, उसको महदूद करें। और पाकिस्तान की जो मुआशत है जिसमें आपने देखा कि अपोजिशन की जमात CM जो वजीर आला पंजाब है अपना भी यही बात कर रहे हैं, PDM के लोग भी यही बात कर रहे हैं कि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज की जाए। मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा लायामल तय किया जाए जिस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक हो। अब आने वाले वक्तों में चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, वो उन नुकात पर उस नुकात के उस दायरेकार के अंदर रहते हुए मुआशत की बहाली के लिए जो है वो उसको तवातुर के साथ उन पॉलिसियों को लेकर। बिल्कुल सही कहा साहब, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि मईशत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस वक्त की बात करूं, जिस वक्त पंजाब असेंबली का मामला है खास तौर पर अगर इसकी बात करूं, इसमें तो कहीं ना कहीं आईन और कानून के जो पेचोखम होते हैं, जो लूपहोल्स होते हैं, उसका दोनों तरफ से कहा जा सकता है फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आईन आपका है ही ऐसा जिसमें ही वहां भी ही वहां में आप अपने तो सही कैसे होगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। देखिए, आपने कोई आइडियल आईन तो बनाया नहीं है। जिस तरह भारत में जो है भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आईन तश्कील दिया और आईन बनाया और जिस तरह का आईन है, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी जब आईन साज असेंबली में जब वो खिताब कर रहे थे और आईन का मसौदा जब उन्होंने पेश किया था, उन्होंने कहा आईन अगर बुरा भी है लेकिन उसको अगर इंप्लीमेंट करने वाले अच्छे हैं तो वो बुरा आईन भी अच्छा रिजल्ट देगा। बिल्कुल सही। लेकिन आईन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो और अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले अगर बुरे होंगे तो वो आईन भी बुरा ही नतीजा देगा। ये बात सही है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अब मैं जरा आईन के अलावा दूसरे मामला की बात करता हूँ। हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट मशीनरी किस अंदाज से काम करती है। कल रात एक वाकया होता है और वजीर आला पंजाब को डीनोटिफाई कर दिया जाता है। पहला सवाल यह कि पाकिस्तान की सियासत में, दो दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि अपने तमाम तर जो काम है रोजमर्रा के दिन की रोशनी में करें, मुल्क में बिजली की कमी पाई जाती है और सरकारी मुलाजमीन को 20% सरकारी मुलाजमीन को घर से काम करने की का मशवरा दे रहे थे। रात गए 12:30-1 बजे एक डी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो सवाल यह है कि आधी रात में इस तरह का
का इकदाम करने की क्या जरूरत पेश आई? सुबह 8 बजे भी ये किया जा सकता था, 10 बजे भी ये किया जा सकता था, इस इंतजार की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए ये तो टाइम गेन होता है ना, ये तो आप सही कह रहे हैं मुनीर साहब, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और ये मामला जो है वो होने चाहिए। असल में ये तो गेम थ्योरी है और पूरा टाइम गेन होता है कि रात 12-1 बजे का अगर आप डी नोटिफाई करेंगे तो लामहाला आप सुबह ही वो उसके खिलाफ कोई कोर्ट जा सकेगा। और आज जो अदालत में हो रहा है आप वो भी देख रहे हैं, अभी तक जो है वो चल रहा है मामला। मैं अभी नमाज से पहले जो है तक तो शायद वक्फा था वहाँ हाईकोर्ट में, तो अब ये सूरत हाल क्या बन रही है क्या नहीं है। एक तरफ तो अदालत की जानिब से इनसे अंडरटेकिंग मांगी जा रही है कि जी अगर हम वो डी नोटिफाई को जो है कालादम करार देते हैं गवर्नर के नोटिफिकेशन को, नए नोटिफिकेशन को, तो आप ये इस बात की अंडरटेकिंग देंगे आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। तो इस तरह का अभी सारा गेम जो चल रहा है वो असेंबलियों की तहलील होने ना होने के हवाले से चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इन सियासतदानों से कोई ये पूछे कि इस पूरे सियासी खेल में आवाम कहाँ खड़ी है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आवाम भूखी है नहीं है, आवाम को आवाम किस तरह अपना सर्वाइव कर रही है, इस हवाले से अब तक जो है कोई भी तवज्जो। बिल्कुल आपने दो सवाल, लेकिन मैं कल सब आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपकी सियासत पे एक बड़ी बारीक नजर है, आप मामला को भी समझते हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से कल रात जो ये इकदाम किया गया वजीर आला को डी नोटिफाई करने का, ये आपको लगता है कि ये अदालत में सस्टेन कर सकता है, सरवाइव कर सकता है? देखिए अदालत तो आज अब अदालत के रिमार्क से तो ये वाजे हो गया है कि गवर्नर के डी नोटिफाई जो नोटिफिकेशन है उसको उस वक्त तक अदालत जो है कालादम करार नहीं देगी जब तक कि ये अंडरटेकिंग नहीं दे देते। अब इस नुकते में अब दोनों जगह पर जो है वो पीटीआई और जो मुस्लिम लीग काफ है वो अदालत आकर खुद फंस गई है। अब अदालत में अब वो अंडरटेकिंग देती है तब भी उनकी सियासत जो उनकी तहरीक अंडरटेकिंग देने से माजरत कर ली तहरीक इंसाफ ने, इस वक्त तो तहरीक इंसाफ ने अब माजरत कर ली है, तो अब ये इनका जो पटिशन है इनकी जो दरखास्त है अपोजिशन पीटीआई की ये अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी वहां। अच्छा, और आपको लगता है जो गवर्नर का जो इकदाम है फिर ये डी नोटिफिकेशन का ये फिर कायम रहेगा? ये कायम रहेगा और अब जो है फिर मामला जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की तरीके आदम एतमाद की तरफ जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि कल फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि 58(2)(b) को जिंदा कर दिया मुस्लिम लीग नून ने, फिर यही मामला शायद फिर सदर पाकिस्तान की जानिब से भी हो सकते हैं और फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ये तो पाकिस्तान में? देखिए फवाद चौधरी साहब भी एक लॉयर है, वो बेहतर बात कर रहे होंगे, लेकिन जहां तक मेरा सहाफती तजर्बा है तो सीएम को डी नोटिफाई करने के हवाले से पूरी एक एक्सरसाइज की है गवर्नर। लेकिन माजी में जब अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर माजी में जब इस तरह का एक मैटर हुआ तो अदालती हुक्म पे 7 से 10 दिन तक का टाइम देना इसमें लाजिम होता है कि इतना वक्त कम से कम दिया जाए, क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर बहुत से अरकान असेंबली हो सकता है मौजूद हो ना हो, कोई मुल्क से बाहर हो, शायद ये मैटर भी तो एक जगह पे मौजूद है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस सूरत में हो सकता है कि देखे अब अदालत भी आइन की जो है तशरीह कर सकती है, लेकिन जहां गवर्नर के अब अहकाम की बात आ गई है, गवर्नर मैंने ये आपको कहा कि पूरा गवर्नर ने एक पूरी एक्सरसाइज की है, तमाम मशावरत की है, उसके बाद इन्होंने जितने भी जो आइन में इबहाम होते हैं जो हम अभी बात कर रहे थे उनका पूरा पूरा इस्तेफादा किया है, उनसे पूरा फायदा उठाया है, उसके बाद ही ये कार्रवाई की है। अगर अदालत 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम भी देती है उस सूरत में भी नोटिफिकेशन मेरी नजर में जो डी नोटिफाई नोटिफिकेशन है वो कालादम, मतलब नोटिफिकेशन आपको नहीं लगता किसी भी सूरत वापसी हो सकता है? फिल वक्त तो यही नजर आ रहा है किसी वक्त भी जो है वो। और अगर मैं इस मफरूजे के ऊपर बात करूं कि नोटिफिकेशन वापस हो जाए और ये डी नोटिफाई वाला जो मामला है फिर रिवर्स हो जाए, तो फिर तरीके से वजीर आला परवेज वजीर आला पंजाब का जो मौकफ होगा वो क्या होगा या इकदाम क्या होंगे उसके बाद? फिर परवेज इलाही चौधरी परवेज इलाही खानदान का जो बी प्लान है उस पर अमल दरामद शुरू होगा और फिर ये इमरान खान को धोखा देने की तरफ जाएंगे। अच्छा, मतलब ये क्योंकि इस वक्त तो मैं अगर जो समझूं तो दोनों सूरत हाल में काफ लीग विन विन पोजिशन में और दीगर जो फरीक हैं वो शायद अपना खेल खेल रहे हैं। देखिए सारा गेम तो 10 सीटों पर है और वो काफ लीग है जी। अब 190 दोनों के पास 180 सीटें हैं, उनके इत्यादियों के पास भी, इधर पीटीआई के पास भी, सारा गेम इन 10 सीटों पर है और 10 सीट वाला जो है वो पूरी सियासत में जो है वो छाया हुआ है। कह सब आखिरी सवाल, ये जो मौजूदा एक कैओस पैदा हुआ है, एक इंतजार है, आपको क्या लग रहा है ये जो हल होने में मजीद कितना वक्त दरकार होगा? क्योंकि इससे पूरा मुल्क एक तरीके से स्टक हुआ हुआ है और तमाम तर जो मामला है वो इस वक्त पंजाब असेंबली तक महदूद रह गए। ये मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन मजीद इसमें लगेंगे, हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगेगा और इसके बाद भी आपको असेंबलियां तहलील होती भी नहीं दिखाई दे रही? असेंबली नहीं तहलील होती, असेंबली तहलील नहीं होती, इल्ला ये कि अगर पीटीआई सब तमाम इस्तीफे देते हैं तो वो दे,
लेकिन असेंबली मुझे तहलील होते हुए नजर नहीं आ रही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया काजी समी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौकफ से आगाह कर रहे थे, अपना सियासी और जो सियासत के हवाले से जो नजर है, जो तजुर्बा उनका है, वो उस हवाले से बात भी कर रहे थे, गुफ्तगू भी कर रहे थे। और यकीन तौर पर ये बात तो कई बार कही जा चुकी है कि ये जो इस वक्त इंतजार है इन एनी वे अराउंड काफ लीग के लिए एक टेस्ट केस होगा। काफ लीग इसके हवाले से क्या हिकमत अमली करती है और काफ लीग का अगला लायमल क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस वक्त तक की इतलात ये है कि काफ लीग ने किसी भी तौर पे जो अदालत को जमानत देने से मना कर दिया है, किसी भी तौर पे ये जो मामला है इस वक्त हल होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। और गवर्नर का जो डीनोटिफिकेशन का जो मामला है वो कितनी देर तक और सरवाइव कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की हमने आपको राय भी बताई, माजी में भी बताई, आज भी हमने आपको मुख्तलिफ लोगों की आरा से आगाह किया, लेकिन हर तरफ से जो है कहीं ना कहीं क्लैरिटी मौजूद नहीं है। और आज अदालत की जानिब से अगर ये फैसला हो जाता है या कल या जब भी होता है तो ये एक बड़ा और तारीखी फैसला होगा दोनों फरीकैन के लिए, ये एक आम फैसला होगा और इसके बाद के जो मामलात हैं पंजाब असेंबली के वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं। और इस सूरत हाल को अगर देखा जाए तो पंजाब और केपीके की असेंबलियाँ तहलील करने का जो तरीके इंसाफ का जो ख्वाब था कि वो जल्द तहलील कर देंगे, फिलहाल ये होता हुआ इस वक्त नजर नहीं आता, इसके हवाले से कुछ और वक्त इंतजार करना होगा। दूसरी जाने माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बिगड़ती जा रही है, जिसका फायदा पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें उठा रही हैं, वो तंजीमें जो आज से कुछ अरसा पहले तक दिखाई भी नहीं देती थी, जिनका कला कमा किया जा चुका था, एक बार फिर से वो तमाम तर कुवतें सर उठा रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान की जो तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आज भी पाकिस्तान की जो पुलिस है उसने बड़ा एक जबरदस्त काम किया, जबरदस्त किरदार रहा और अपनी जान का नजराना पेश करते हुए एक बड़ी दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है उसको रोकने में कामयाब रहे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो मामला है उसके ऊपर रोकथाम के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिसके ऊपर अमल होते हुए शायद पाकिस्तान का अमन फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।